हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेसन के नमकीन सेव, जो आप बड़े ही आसानी से अपने घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 कटोरी बेसन लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन, हींग, आवश्यकतानुसार नमक, ऑयल और पानी। तो आइए हम देख लेते हैं कि हम इसको इस मोल्ड से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह के मोल्ड से भी कई लोग बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये जो सेव मेकर है, इसको टिक्की भी बोलते हैं, इससे आज हम सेव बनाएंगे। हलवाई लोग अक्सर इसका उपयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें मसाला मिलाते हैं। अजवाइन मैंने थोड़ा सा क्रश करके डाली है, डालेंगे हींग, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आवश्यकता अनुसार नमक। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज्यादा मात्रा में रख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मोइन के लिए ऑयल, ये लगभग मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारी मुट्ठी अच्छे से बंधने लगी है। ये देखिए, मुट्ठी अच्छे से बंधने लगी, यानी हमने सही मात्रा में इसमें डाला है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका डो तैयार करेंगे। हमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ही इसमें डो लगाना है, क्योंकि बेसन में पानी की मात्रा बहुत ही कम लगती है। एकदम नरम डो लगाकर तैयार किया है और गैस पर कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख दिया। अब हम सबसे पहले सेव मेकर पर थोड़ा सा पानी लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। फिर हल्का सा पानी हमें जितने सेव बनाकर तैयार करना है उसमें भी थोड़ा पानी लगा लेंगे, और फिर थोड़ा सा हाथ में भी हम अपने हथेली में पानी लगा लेंगे, ताकि हमारे हथेली में ये डो चिपके ना। बहुत ही आसानी से और सहजता से ये सेव बनकर तैयार होते हैं। रखना है कि नीचे से जो हम कढ़ाई रखेंगे वो थोड़ी वजनदार सी हो। देखिए कितने आसानी से सेव हमारे बन रहे हैं। हल्का सा गुलाबी होने तक हम इसको चलेंगे, बाद में हम इसको पलट देंगे। अभी हो चुके हैं से। लगभग तेल में बबल भी खत्म हो चुके हैं और सेव भी गुलाबी हो चुके हैं हमारे। 1 से 2 मिनट में ही सेव बनकर तैयार हो जाते हैं।
क्रंची और अच्छे सेव बने हैं। आप भी अपने घर पर ऐसे सेव बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ दो कटोरी बेसन में ये इतने सारे सेव बनकर तैयार हैं। आपको मेरी यह विधि यदि अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर जरूर कीजिए।